मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी नेहा मिस और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं क्लास वन का साइंस चैप्टर टू, जिसका नाम है फूड्स वी ईट, भोजन जो हम लोग खाते हैं उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लेट अस लर्न अबाउट फूड एंड फूड हैबिट्स। चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि हम लोगों को कैसा भोजन खाना चाहिए और भोजन खाने की जो आदतें हैं वो कैसी होनी चाहिए। ठीक है, वी ईट एंड ड्रिंक एवरी डे, हम लोग रोज खाते और पीते हैं। फूड एंड ड्रिंक कीप अस अलाइव, फूड है और जो वाटर है यानी कि जो हम लोग पीते हैं, जो हम लोग खाते हैं, उसी से हम लोग जिंदा भी रहते हैं। दे गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, फूड हमें क्या देता है, एनर्जी देता है। किस चीज़ के लिए एनर्जी देता है, वर्क करने के लिए, यानी कि कोई भी कार्य करने के लिए जो एनर्जी आती है हमारे अंदर वो कहाँ से आती है, फूड से आती है। जब तक हम लोग खाना नहीं खाते हैं टाइट फील करते हैं, वीकनेस आ जाती है, लेकिन जैसे हम लोग खाना खा लेते हैं हम लोग हेल्दी फील करते हैं, यानी कि एनर्जी आ जाती है। दे हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो एंड फाइट डिजीजेस, यानी कि वो जो है हमारी बॉडी को ग्रो करता है, यानी कि बॉडी को बढ़ाने में भी फूड मदद करता है। फूड के कारण हमारी जो बॉडी है वो ग्रो होती है, और डिजीज मीन्स होता है रोग, यानी कि रोगों से लड़ने में भी फूड हेल्प करता है। वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, हम लोग बहुत ही अलग अलग प्रकार के फूड को खाते हैं, भोजन अलग अलग प्रकार के करते हैं। देखिए हम लोग कैसे भोजन करते हैं। वी गेट दिस फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, हम लोग जो भोजन खाते हैं वो हमें कहाँ से मिलती है, प्लांट्स से एंड एनिमल से, यानी कि जानवर से। जानवर से कैसे मिलता है, हम लोग अंडा खाते हैं कहाँ से मिलता है, जानवर से मिलता है। हम लोग मीट खाते हैं वो भी कहाँ से मिलता है, जानवर से मिलता है। प्लांट्स से हमें बहुत सारे फ्रूट्स मिलते हैं, और जितने भी चावल गेहूँ वेजिटेबल्स और जितने भी फ्रूट्स हैं सब कहाँ से आते हैं, प्लांट्स से आते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे हेल्दी फूड के बारे में। देखिए अब आपको एक और बुक के आपके चैप्टर का जो टू चैप्टर उसका जो फर्स्ट पेज है उसमें आपको बता रहा है, कीप इन माइंड, यानी कि इसको हमेशा याद रखिए और माइंड में रखिए। ओली फूड एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, यानी कि हमें ऑयली फूड नहीं खाने चाहिए, यानी कि जो ज़्यादा तेल वाले जो सामान होते हैं वो नहीं खाने चाहिए, और जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं वो भी नहीं पीना चाहिए। इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, ये हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। टू मैनी स्वीट्स टॉफीज कैन स्पॉइल आवर टीथ, आप लोग इसको हमेशा याद रखिए, आप लोग ज़्यादा चॉकलेट नहीं खाइए, ज़्यादा मिठाई नहीं खाइए, ये हमारे दांत के लिए हानिकारक है, इससे हमारा दांत जो है वो स्पॉइल हो सकता है, मीन्स बर्बाद हो सकता है। तो आज अब हम लोग पढ़ेंगे हेल्दी फूड के बारे में, हमारा टॉपिक है हेल्दी फूड। हेल्दी फूड मीन्स क्या होता है, हेल्दी मीन्स स्वस्थ, फूड मीन्स भोजन, स्वस्थ भोजन, साफ सुथरे भोजन, फ्रेश भोजन। फूड दैट मेक्स अस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी इज कॉल्ड हेल्दी फूड। हेल्दी फूड का अगर डेफिनेशन कोई आपसे पूछे कि हेल्दी फूड किसे कहेंगे, तो फूड वैसा फूड जो हमें स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत और स्वस्थ रखता है उसे हम लोग हेल्दी फूड कहते हैं। फूड दैट मेक अस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, फूड जो हमें स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत एंड हेल्दी यानी कि हमें स्वस्थ रखता है वो हेल्दी फूड कहलाते हैं। फ्रूट्स वेजिटेबल्स सीरियल्स पर्ल्स मिल्क एग्स मीट एक्सेट्रा आर हेल्दी फूड्स। अब हेल्दी फूड्स के कुछ एग्जाम्पल्स अगर आपसे मांगे कोई तो आप क्या क्या बताओगे, फ्रूट्स फल वेजिटेबल्स सीरियल्स पर्ल्स मिल्क एग्स मीट एक्सेट्रा, ये सब आपके हेल्दी फूड के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब आप लोग समझ के हेल्दी फूड क्या होता है, वैसे फूड वैसे भोजन जो हमारे शरीर को स्वस्थ और मजबूत रखता है उसे हम लोग हेल्दी फूड कहते हैं। जैसे में कुछ फल है, सब्जियां हैं, चावल है, ग्रेन्स मीन्स अनाज है, राइट। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वो है हमारा फूड फ्रॉम प्लांट्स, भोजन कहाँ से आते हैं, पेड़ से आते हैं। फूड फ्रॉम प्लांट्स, वी गेट मोस्ट ऑफ द फूड आइटम्स फ्रॉम प्लांट्स, यानी कि हम जो फूड के जितने भी आइटम्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आइटम है यानी कि प्रकार है, वो हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं, प्लांट से प्राप्त करते हैं। वी गेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम प्लांट्स, और हम लोग फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी किससे प्राप्त करते हैं,
प्लांट्स से प्राप्त करते हैं। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस, यानी कि वे जो है प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्ट मीन्स होता है रक्षा करना, किससे, रोगों से। वेजिटेबल्स और जो फ्रूट्स हैं वो सब, अगर हम ग्रीन वेजिटेबल खाते हैं, हरी सब्जियां खाते हैं, तो वो हमारे शरीर में जो रोग हैं वो डिजीजेस से यानी कि रोगों से हमारी रक्षा करता है। तो आप लोग हमेशा हरी सब्जी खाएं, फ्रूट्स खाएं, ये सब खाएं और हेल्दी रहें। अब देखिए, नेम द फॉलोइंग फ्रूट्स। अब इसमें जो कुछ फ्रूट्स का नाम दिया हुआ है इसमें आप लोगों को भरना है। मैंगो, बनाना, बनाना आपका कहाँ है आप बनाना में भर सकते हैं, और यहाँ पे क्या है, ग्रेप्स है, आप ग्रेप्स में भी भर सकते हैं। नेम द फ्लोइंग वेजिटेबल्स, अब आपके साइड में दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, उसका आपको नाम डालना है कि कौन सा वेजिटेबल्स कहाँ है। लेडीज फिंगर कहाँ है, यहाँ है। ब्रिंजल के पास क्या है, ब्रिंजल कहाँ है, ब्रिंजल ये है, लेडी फिंगर ये है, और कॉलीफ्लावर ये है, राइट, समझ गए आप लोग। We also get food grains from plants like wheat, rice, maize, etc. अब हम लोग फूड के अलावा कुछ grains, यानी कि अनाज भी किससे प्राप्त करते हैं, प्लांट से प्राप्त करते हैं, जैसे मिर्च, चावल, गेहूँ, मक्का, etc. इत्यादि। Grains are actually the seeds of plants. अनाज जो होते हैं वो प्लांट्स के बीज होते हैं। वास्तव में जो अनाज होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, वो फूड प्लांट्स के बीज होते हैं। दे हेल्प अस टू ग्रो, और ये क्या करने में मदद करते हैं, ग्रो करने में मदद करते हैं। फूड फ्रॉम एनिमल्स, अब हम लोग जानेंगे, पहले तो हम लोग जानेंगे फूड फ्रॉम प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स से फूड कैसे आते हैं, क्या क्या आते हैं प्लांट्स से, कौन कौन से फूड आते हैं वो जाने। अब हम लोग जानेंगे फूड फ्रॉम एनिमल्स, यानी कि जानवर से कौन कौन से प्लांट्स आते हैं, अब हम वो जानेंगे। वी गेट फ्लैश, मिल्क एंड एग फ्रॉम एनिमल्स, यानी कि हम लोग जानवर से क्या क्या चीज़ प्राप्त करते हैं, मांस, दूध, एग, अंडा फ्रॉम एनिमल्स, यानी कि ये सब हम लोग जानवर से प्राप्त करते हैं। दे हेल्प अस टू ग्रो एंड मेक अस स्ट्रॉन्ग, ये सब भी हमें बढ़ने और हमें मजबूत रखने में मदद करता है। वी मेक बटर, चीज़, आइसक्रीम एट्सेट्रा फ्रॉम मिल्क, अब देखिए मिल्क भी हमें जानवर से प्राप्त होती है, और एक मतलब मिल्क से हम लोग बहुत सारे आइटम बनाते हैं घर में, जैसे में बटर, चीज़, आइसक्रीम, ये सब किससे बनता है, मिल्क से बनता है। आप लोगों को आइसक्रीम पसंद है, यस, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, मिल्क इज कम्प्लीट फूड फॉर बेबीज, मिल्क जो होता है वो कंप्लीट फूड, यानी कि पूरी तरीके से वो कंप्लीट होता है बेबी के लिए। बेबी के लिए सिर्फ मिल्क ही प्रॉपर फूड है, वो छोटे बच्चे चावल नहीं खाते, रोटी नहीं खाते, वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, दूध, उनके लिए कंप्लीट फूड क्या है, मिल्क। वी शुड ऑल्सो ड्रिंक एट लास्ट 2 glasses ऑफ मिल्क डेली, हम लोगों को एटलीस्ट मीन्स कम से कम 2 glasses रोज एवरी डे यानी कि रोज पीना चाहिए। बेबी के लिए वो कंप्लीट फूड है, लेकिन हम लोग के लिए भी वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग हर रोज़ 2 glasses दूध ज़रूर पीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ईटिंग टाइम, अब हम लोग फूड के बारे में जान गए, प्लांट से फूड कैसे आते हैं, कौन कौन से फूड प्लांट से आते हैं, कौन कौन से फूड एनिमल्स से आते हैं, ये सब के बारे में जान गए, फूड तो आ गया। अब हम लोग ये जानेंगे कि फूड को खाने का टाइम कौन सा होता है, कौन से टाइम में हम लोग फूड को खाएंगे। वी मस्ट हैव आवर मील्स एट फिक्स टाइम्स, हम लोगों को अपने जो मील्स यानी भोजन है उसको टाइम से लेना चाहिए, टाइम से खाना चाहिए, फिक्स टाइम, कुछ भी टाइम हो आपको फिक्स कर देना चाहिए। टाइमली खाने से हमारा जो बैलेंस है भोजन का वो बना रहता है, शरीर में रोग नहीं होते हैं, इन सब चीज़ों से सुरक्षा प्रदान करता है। वी ईट 3 meals इन अ डे, यानी कि हम लोगों को 3 times भोजन करना चाहिए एक दिन में, कितने टाइम करना चाहिए, 3 times। वी शुड ईट और मील्स एट द राइट टाइम, और हम लोगों को 3 times भी करना चाहिए, और एक और चीज़ कि हम लोगों को टाइम से भोजन करना चाहिए, जो भी आप रूटीन बना लीजिए सुबह, दोपहर, रात, ऐसे करके, और टाइमली आप लोग भोजन ले, अनटाइमली नहीं लेना है। इट कीप अ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, अगर आप लोग टाइम से भोजन करते हैं तो वह हमें क्या बनाता है, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, एंड हेल्दी मीन्स स्वस्थ, स्वस्थ और
मजबूत बनाता है। गुड फूड हैबिट्स, ये तो थे हमारे टाइम, जो हम लोग टाइम डिसाइड करते हैं भोजन के लिए। अब अच्छी आदतें क्या है जो हमें भोजन के लिए, जो कुछ गुड फूड्स हैबिट्स, अच्छी भोजन की आदतें। अब देखिए, ऑलवेज फॉलो गुड फूड हैबिट्स, हमेशा हम लोगों को अच्छे भोजन के लिए जो कुछ आदतें हैं उसको फॉलो करनी चाहिए। जैसे देखिए, वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील, ये आप लोग हमेशा से सुनते आए हैं, हमेशा से आप लोगों के पेरेंट्स भी ये चीज़ सिखाएं कि खाने से पहले और खाने के बाद हमें अच्छे से साबुन से या जो भी आपके घर में अवेलेबल हो उससे हाथ धोएं। रिंस योर माउथ एवरी मील आफ्टर एवरी मील्स, यानी कि हम लोगों को हमेशा खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो भी डस्ट होते हैं आपके मुंह में वो बाहर आ जाते हैं, इससे आपके दांत स्पॉइल होने से बच जाते हैं। ड्रिंक मिल्क डेली, यानी कि हमें रोज क्या पीना चाहिए, अभी भी मैंने आपको बताया, दूध। इट इज़ बेटर फॉर चिल्ड्रेन एंड गुड फॉर पीपल एट ऑल एज, यानी कि वो चिल्ड्रेन के लिए बेस्ट होते हैं, यानी बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है, और जितने भी एज के जो भी एज के लोग हैं उनके लिए भी ये बहुत ही बढ़िया है, यानी कि उनके हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया है। अब हम लोग आगे आते हैं तो हमारा क्या है, ईट सम रॉ फूड एवरी डे लाइक सैलड्स। अब हम लोगों को कुछ रॉ पदार्थ यानी कुछ रॉ फूड यानी कुछ कच्चा सामग्री भी खाना चाहिए, जैसे में सैलेड, हम लोगों को रोज़ सलाद, सैलेड में सलाद, यानी कि रोज़ हम लोगों को सलाद भी भोजन में लेना चाहिए। वॉश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बिफोर ईटिंग देम, ये भी बहुत ही अच्छी आदतें हैं, कुछ अच्छी आदतें मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ, बता रही हूँ, तो इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छी आदत है कि हम लोग कोई भी फल को खाएं उससे पहले हमें उसे अच्छी तरीके से धो लेना चाहिए, वो फल भी हो सकते हैं या वेजिटेबल जो भी हो उसको अच्छे से धो लेना चाहिए। ईट फ्रेश होम कुक्ड फूड, यानी कि हमें हमेशा फ्रेश फूड खाना चाहिए, यानी कि ताज़ा भोजन खाना चाहिए, और ज़्यादातर आप होम कुक्ड यानी कि घर में बना हुआ भोजन खाएं, वो आपके हेल्थ के लिए और भी बढ़िया है। डू नॉट ईट टू मच, और हम लोगों को ज़्यादा भी भोजन नहीं करनी चाहिए, लिमिट से, ठीक है। इट विल मेक यू फैट एंड लेजी, वो आपको क्या बना देगा, फैट मीन्स मोटा, एंड लेजी यानी कि वो आपको आलसी भी बना देगा। इट स्लोली एंड च्यू द फूड वेल, हमें भोजन स्लोली करना चाहिए, मतलब आराम से धीरे धीरे खाना चाहिए और अच्छे से चबाकर खाना चाहिए, राइट। अच्छे से हमेशा भोजन को चबाकर खाएं और स्लोली खाएं, मीन्स आराम से खाएं, धीरे धीरे खाएं। डू नॉट वेस्ट फूड, हमें कभी भी भोजन को बर्बाद नहीं करना चाहिए, इट इज़ नॉट गुड हैबिट्स। डू नॉट टॉक वाइल ईटिंग, ये आप लोग हमेशा करते हैं, इसको एकदम नहीं करना चाहिए। जब भी हम लोग खा रहे हैं, खाने की ड्यूरिंग, खाने के दौरान हमें कुछ भी बोलना नहीं चाहिए, इट इज़ नॉट गुड हैबिट्स। डू नॉट टॉक वाइल ईटिंग, नहीं करना चाहिए बातें। ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड टू कीप यू हेल्दी, हम लोगों को अलग अलग प्रकार के भोजन करनी चाहिए जो हमारे शरीर के लिए गुड है, यानी कि हमारे हेल्थ के लिए बढ़िया है। कभी आप लोग ड्राई फ्रूट्स खाइए, सैलेड खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, फ्रूट्स खाइए, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के फूड खाते रहना चाहिए जो हमारे हेल्थ के लिए बढ़िया है। डू नॉट ईट टू मैनी फास्ट फूड, और हमें बहुत ज़्यादा फास्ट फूड भी नहीं खाना चाहिए, यानी कि जो आप लोग जंक फूड खाते हैं बिल्कुल नहीं, चाउमीन एंड क्या क्या एक्सेट्रा, आप लोगों को बिल्कुल ये सब नहीं खाना चाहिए, इट्स ऑल्सो नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। ईटिंग देम रेगुलरली इज बैड फॉर योर हेल्थ, इसको आप लोग हमेशा अगर खाइएगा तो ये आपके हेल्थ के लिए बहुत ही बुरा हो सकता है। अब आपका यहीं पे चैप्टर क्लोज होता है, अगर आपको कोई चीज़ इसमें समझ में नहीं आती है तो आप लोग हमसे इसमें बार बार देखें और इसको रिवाइज करें, एक आपका लेट्स रिवाइज भी है, चलिए हम एक बार इसको भी डिस्कस कर देते हैं। वी नीड फूड टू स्टे लाइफ, इसमें जो चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा उसको इसमें छोटा टॉपिक में बताया गया है, इसको रिवाइज करेंगे कि हम लोगों ने इतना चीज़ आज सीखा। वी नीड फूड टू स्टे लाइफ, यानी हम लोगों को भोजन की जरूरत क्यों होती है, जिंदा रहने के लिए। फूड गिव अस एनर्जी टू वेरियस थिंग्स, फूड जो है हमें एनर्जी देता है, किस लिए, बहुत सारी कामों को करने के लिए एनर्जी देता है। फूड हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो एंड हेल्प्स अस टू फाइट डिजीजेस, यानी फूड जो है हमारे बॉडी को बढ़ाता है और बहुत सारे रोगों से लड़ने में भी मदद करता है। वी शुड अडॉप्ट
गुड ईटिंग हैबिट्स, हम लोगों को बहुत ही जो गुड हैबिट्स हैं यानी अच्छी आदतें हैं भोजन के रिगार्डिंग, भोजन के दौरान जो भी अच्छी आदतें हैं वो हम लोगों को अडॉप्ट करनी चाहिए यानी कि अपनाना चाहिए। वी शुड ईट फ्रेश होम कुक फूड। अभी मैंने आप लोगों को बताया जस्ट कि हम लोगों को हमेशा फ्रेश फूड खाना चाहिए और घर का बना हुआ ज़्यादातर खाना चाहिए। इट इज़ टेस्टी एज वेल एज हेल्दी, ये उतना ही टेस्टी भी लगता है, घर का बना हुआ खाना बहुत ही टेस्टी लगता है और हेल्दी भी होता है। इट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड टू कीप यू हेल्दी, और डिफरेंट टाइप के फूड खाइए लेकिन वो याद रहे कि वो आपकी हेल्थ के लिए बढ़िया हो, हेल्दी हो। तो यहीं पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, जो भी दिक्कत हो वीडियो को आगे पीछे करके देखें और अच्छे से समझें। थैंक यू।